ओके ये ले लो, किसी से बात मत करना, कोई ऐसी होगी था इंक्वायरी होगी बुला लेना। लिखेंगे भाई रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे आज, शुक्रवार है ना। लिखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति हिंदी में बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। मस्त है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, कहेगा किसी पार्टी में बेसिक देख लो, 10 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे। अब प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट मतलब उपहार, गिफ्ट दिया, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट यानी गिफ्ट की संख्या बता, एक टाइप ये बनता, यानी 10 व्यक्ति है कहीं भी, अब प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया तो कुल कितने गिफ्ट बांटे गए, ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, राइट। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक पर आएंगे, व्यक्ति की संख्या है 10, तो गिफ्ट के लिए n n-1 ये फॉर्मूला लगाएंगे। n का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, तो n के जगह जब 10 रखेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा 9, अपने आप एक कम हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितना हो गया बताइए। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर व्यक्ति है बढ़िया से समझना, यानी पर्सन है 12, तो गिफ्ट कितना बांटेंगे बताओ, 12 × 11 एक कम करेंगे 132, बढ़िया से समझ लेंगे 132, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर यही हाथ मिलाने की बात होगा, हैंड शेकिंग हाथ मिलाना, तो जहां हाथ मिलाने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हाथ मिलाने की बात होगी। अब व्यक्ति है 10, पर्सन है 10, हाथ कितने मिलेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, n n-1 / 2, n के जगह रखो 10 और n-1 के जगह क्या हो जाएगा 9 / 2, बताओ समझ में आया कि नहीं। ये फॉर्मूला है, n के जगह 10, n-1 तो 9 हो गया और बाई 2 से देखो 5 टाइम्स 9 × 5 = 45, कितना हाथ मिलेगा। अगर व्यक्ति है 12 और हाथ मिलाने की बात है, तो 12 × 11/2 बता देना भाई, जो लो नया देख लो भाई। ठीक है जी, अब 2 से कितना बार में 6 बार में, ये कितना हो गया 66, ये बात क्लियर हुआ। तो जहां गिफ्ट लेने की बात होती है वहां पर देंगे और लेंगे दोनों साइड से बात होती है, लेकिन जहां हाथ मिलाने की बात होती है तो दो व्यक्ति होता है तो हाथ एक बार ही मिलता है, एक कम होता है, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति 10 है तो हाथ 9 आदमी से मिलाएंगे, 9 है तो 8, अगर दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो दोनों एक साथ मिलाएंगे तो एक बार, लेकिन गिफ्ट के मतलब दोगे, अब तुमको मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो मैथ्स का मतलब देना ही पड़ेगा, दो और लो दोनों काम करो। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि जहां पर गिफ्ट की बात हो तो n n-1, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ्स का क्वेश्चन रीजनिंग में आती है, ओके। और जहां पर हाथ मिलाने की बात हो वो कहां से बता भाई, यानी n n-1/2, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। देखो मैं एक चीज सिखाता हूं, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले देख लो, जैसे टोटल व्यक्ति 5 है तो हाथ कितने बार मिलेगी, मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन बोला, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 5 और यहां से एक कम कर दो और बाई 2, देख लो ना, नेहा देखते रहना ना क्योंकि आपकी पहली क्लास है, 2 से कितना बार में हो गया 10, यही तो कटेगा भाई, बोलो सही लिखाऊं। अब कैसे प्रूव्ड होगा कि भाई 10 बार ही हाथ मिलेगा, तो देखो टोटल मान लो हम लोग 5 आदमी है क्लास में, टोटल 5 ऐसे है नहीं, लेकिन मान लो तो मैं पांचवा व्यक्ति हूं तो मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा, चौथा व्यक्ति कितने से, तीसरा कितने से और दूसरा कितने से, और अकेला सिर दीवार में थोड़े रगड़ेगा, मतलब हाथ तो उतना ही मिल गया, खत्म। अब आप इसको जोड़ कर देखो उतना ही आएगा, जोड़ो आगे कि नहीं 10। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हाथ कैसे मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, तो ये कंफ्यूजन को दूर रखना है, ठीक है ना। एक कम होता है यानी 5 व्यक्ति है तो 4 से हाथ मिलाएंगे, और
पहला वाला और लास्ट वाला अकेला पड़ जाता है। इसलिए धन ग्रह पांच व्यक्ति है तो चौथा से चौथा तीसरा तीसरा दूसरा, तो इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना होगा 10। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, ऐसा टाइम लगेगा। हम लोग का डायरेक्ट ट्रिक है तो लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो, हाथ मिलाने की संख्या जब व्यक्ति हो तो, और गिफ्ट लेने की संख्या, दोनों फॉर्मूला बोलो भाई चमन। एक तो तू सबसे हट के बैठ, यहां बैठो, लो सच के बैठी क्या है? बाप रे बाप, जो 3 साल से गुस्सा नहीं उसको भी कर देगी। ऐसे घर में कैसे पूछती है चाय पियोगे, ऐसे बोलेगी चाय लेकर मुंह में फेंक रही है, बहुत अलग है इसकी लैंग्वेज। पहले शुरू शुरू में लगता था टाइट बोलती है, अब तो आदत हो गई, देखते देखते देख लो भाई। तो यहां पर गिफ्ट की संख्या पूछेगा एन एन माइनस वन, और हाथ मिलाने की संख्या होगा एन एन माइनस वन और बाई टू। ध्यान रखना ये दोनों क्लियर कर लेना। आज विशेष ऐसे बैठने का कुछ, किसी ने कुछ बताया पैर मोड़ने से ज्यादा ज्ञान आती है, ऐसा कुछ बात है तो उसको मेरे पास लेके आना। ओके भाई हो गया, बोलो क्लियर सभी लोगों का, क्लियर हो गया भाई। यानी यहां पर जहां गिफ्ट की संख्या की बात होगी एन एन माइनस वन, और जहां हाथ मिलाने की बात होगी एन एन माइनस वन बाई टू, इस बात को ध्यान में, क्लियर हो गया। अब क्या होता है पेपर में कभी कभी उल्टा दे देता है, मतलब अपोजिट उसी क्वेश्चन को, अब उसको भी क्लियर करेंगे। जैसे कुल गिफ्ट की संख्या 90 तो व्यक्तियों की संख्या बताए, ऐसे आ जाएगा। कुल गिफ्ट की संख्या 90 उल्टा पूछ देगा तो व्यक्तियों की संख्या बताओ। करना क्या है आपको, 90 को ऐसा फैक्टर करना है कि जो लगातार के संख्या में, जो क्या हो लगातार के। कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, जब कोई काम करते तो धीरे धीरे पता चल, जैसे 90 को करेंगे तो 9 दहिया क्या हो जाएगा 90, तो लगातार आ गया 9 और 10। बोलिए लगातार की संख्या में, बैठ जाओ इधर भी बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, खींच खींच बैठ जाओ, ठीक है जी। अब देखेंगे तो ये लगातार की संख्या में 9 और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखिए लगातार की संख्या हो गया भाई, कैसे भी होगा आपको लगातार बनाना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन बन जाएगा लंबा। अब क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आंसर, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आंसर। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि 20 टोटल 20 गिफ्ट बांटे गए, कितना गिफ्ट बांटे गए 20, और व्यक्तियों की संख्या बताए, व्यक्तियों की संख्या बताएंगे, ठीक है जी, व्यक्तियों की संख्या बताएंगे, क्लियर। अब बताइए इसको लगातार के फैक्टर में 20 को कैसे तोड़ेंगे आप, बोलो बताओ, 4 × 5 या 5 × 4, ऐसे ही तो तोड़ोगे बताओ। अब बड़ी वाली संख्या जो होगा वही क्या होगा आंसर होगा, क्लियर कर लेना, एक एक चीज हो क्लियर करना बहुत आराम से। जैसे 20 है तो लगातार में तोड़ेंगे 4 × 5, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही क्या होगी इसकी आंसर। मेरी बात को समझना, पूरी प्रैक्टिस करना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। हाँ हर टाइप के क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा, पहले इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा ज्यादा हो गया है, रुक जाओ। देखिए जैसे कुछ ऐसे बना देते हैं जो लगातार में बन जाए, जैसे 6 × 5 = 30 बन जाएगा, ये 30 हो गया, मैं तो बोल दिया तो सुन लिए, ठीक है जी। अब 30 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 5 × 6, तो यहां पर बड़ी वाली संख्या क्या हो गई आंसर हो गया, किसके लिए, ये बात हुई गिफ्ट के लिए। यानी टोटल गिफ्ट की संख्या 30 तो व्यक्ति की संख्या बताएंगे 6, मेरी बात को आप समझिएगा। अब उसी तरीका से हमने बात किया 56, 56 को कैसे तोड़ोगे मेरे भाई, 7 और 8 यानी 7 × 8, इसके आंसर क्या होगा 8। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया इस तरीका से। अब बात हुआ हाथ मिलाने की, बात करेगा तो कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने बात किया कि अभी बात किया था 45 बार हाथ मिले, क्वेश्चन था उसमें 45 बार हाथ मिले तो व्यक्तियों की संख्या बताओ, पहले आपको 2 से गुणा करना है तो 45 × 2 कितना हो गया, अब फिर लगातार में तोड़ना है 10 आंसर, पहले 2 से गुणा करना, पहले 2 से गुणा करना, इस बात को ध्यान रखना भाई, पहले 2 से गुणा करेंगे उसके बाद ऐसा करेंगे, ठीक है जी, पहले 2 से गुणा करेंगे उसके बाद करेंगे।
आइए, जैसे मान लीजिए 15 बार कुल हाथ मिला, कितना बार हाथ मिला? तो व्यक्तियों की संख्या बताइए कैसे करेंगे, बताइए। पहले 2 से गुणा करें, 15 दूना कितना होता है, और इसके बाद लगातार बताओ 5 इंटू। तो जब हमेशा क्या लेना है, बड़ी वाली। थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हाथ मिलाने और गिफ्ट वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। 2 पॉइंट, आइए टाइप चेंज, लिखिएगा क्वेश्चन। राम राम भाई लिखो। एक खेत में जानवर और मजदूर हैं, एक खेत में जानवर और मजदूर है, जानवर और मजदूर हैं, उनके सिर की संख्या, सिर मतलब नंबर ऑफ हेड, उनके सिर की संख्या 120, उनके सिर की संख्या 120 और पैर की संख्या 340 है। सिर की संख्या 120 और पैर की संख्या 340 है। वहां कितने जानवर है, वहां कितने जानवर है, ये बेसिक क्वेश्चन होती है भाई, सिर पैर का क्वेश्चन है, सिर और पैर याद रखना, सिर प्लस पैर की बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, देखेंगे। तो यहां पर क्या है कि टोटल सिर कितने हैं, क्या क्या है इसमें, नहीं वो तो सबको पता है, बिना सिर और पैर के इंसान या जानवर कैसे बनेगा, जीव, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है जानवर और मजदूर, यही तो बात है। जानवर के पैर होते हैं 4 और मजदूर के 2। अब देखिएगा, सिर इनके कितने हैं टोटल, 120, पैर कितने हैं 300, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कहीं भी इसकी संख्या को आधा कर लेना है, ट्रिक है इसकी। तो 340 का आधा कर दो, 170 आधा करने आता है ना भाई, अरे भाई 340 का हाफ कर दो, हाफ बाई 2/2 से भाग देना, 2 से भाग देना है, ओके, विभाज करना है। तो सबसे पहले दोगे तो 17 दूने 34, 170 हो गया, इसमें से सिर घटा दो, बताओ कितना बचेगा, 50। ये 4 पैर वाला कैंसर आता हमेशा, किसका आएगा, 4 पैर। अब देख लो किसका 4 पैर है, ठीक है जी। तो ये 4 पैर वाला का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल सिर 120 है, उसमें से 4 पैर वाला कितना निकल गया, 50। तो बचा कितना, 2 पैर वाला 70, घटा दो भाई, 120 में से 50 जाएगा तो कितना होगा, 70। तो 70 होगा कौन सा, 2 पैर वाला। इस बात को ध्यान रखेंगे, बढ़िया से सुन लो, मैं फिर से बता दूं, पैर की संख्या 340 है, उसको आधा करो 170, और 170 में से सिर घटा दो 50, तो 50 आएगा 4 पैर वाला का। अब 4 पैर वाला जो भी हो, एक ही तो पूछेगा, चाहे 4 पैर पूछे चाहे 2 पैर पूछे। अब क्या करेंगे, टोटल 120 सिर है, उसमें से 50 घट गया, तो बचा कितना, 70। ये 70 कौन सा आ गया, 2 पैर। जैसे एक बात कहता हूं, मान लो खरगोश है, खरगोश अपला से कबूतर, ठीक है जी, और सिर हो गया तुम्हारा 90, अब पैर हो गया 224, कितना। अब किसी के बारे में पूछे, सबसे पहले इसका आधा करो, तो 224 का आधा 112 होगा, और 112 में से 90 घटा दो, मैं नहीं 22, ये क्या हो गया 22, ये 4 पैर वाला। अब देखो 4 पैर वाला कौन है, खरगोश हो गया, ठीक है भाई। अब देखो टोटल सिर कितना है, 90 में से 22 घटा दो, 68, ये कौन सा, 2 पैर, कौन सा हो गया भाई, 2 पैर। क्लियर हुआ, बोलो। जैसे मान के चलो सिर है, सिर है 48, अब पैर है 140, पैर है 140, जानवर ले लो गाय मुर्गी, क्या ले लिए, गाय और मुर्गी, क्लियर हो गया। इसको आधा करो, 70 में से 48 घटाओ, 22, बारे भगवान। तो 4 पैर वाला कौन आ गया, मुर्गी 4 पैर के होते हैं रे, तेरे इलाका में है, 70 में से, तो 22 जो भी होगा, और 26 कौन सा होगा, 2 पैर,
बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया, चलो देख लो। या तो इनको बंद करवाना पड़ेगा या हम बंद होंगे आज यहां से। कभी अच्छा भी लगता है बसता है तो, है ना। बहाना चाहिए ना कुछ यहां कम करवाने के लिए। एक नंबर लिखा होगा नीतीश भाई, एक कॉल करना 031 लास्ट में होगा। हाँ मेरे फोन से उधर कॉल करो, फिर उठा ले तो मेरे को बुलाना। लगता है घास और चुन के आते हो, कैसे भी आ जाते हो। पहले तो तू अपना जूता चेंज कर, तेरे जूता जितना का उतना मैं खरीद सकता हूँ, उतना मेरे पास बजट है 300 रुपया। लेकिन घिस, क्योंकि ये खत्म हो गया जूता, घिस घिस के दूसरे के दिमाग खराब करते हो। 300 रुपये में और क्या मिले, रेट बढ़ गया लड़कियों के देखते है। पैसा बचा बचा खाली प्लॉटे लेने के काम आएगा। हो गया बताओ भाई, तो ये हो गया डायरेक्ट सिर पैर। ओके हो गया, तो बताओ अब इसमें सिर पैर में मिक्स करता हूं, मैंने सिर पैर में मिक्स नहीं करेंगे, तरीका मिक्स होगा। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के, डर से नहीं उठा रहा हो, कोई बात नहीं चलो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है। ललित ये उठा लेना, ये पेन पूछ ले इनका है नहीं तो उधर रखना सही से। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है। ग्वालों की संख्या बताएं। ठीक है ना, अब जितने लोग मेरे से पढ़े वो रट गए हैं इसको, क्या करना है भाई, आधा कर देना होता है। अच्छा कितना भी हो आधा कर देना, मैं सवाल सॉल्व करके बता रहा हूं, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि कैसे करना है भाई, इस बात को ध्यान रखो भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है भाई बताओ, बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 28 कम है, 4 गुने से 28 कम है, यही तो है। ठीक है ना, अब यहां पर सबसे पहली बात होती है कि बराबर संख्या का मतलब क्या मानोगे, एक्स एक्स दोनों को मान लिया जाए, करना ऐसे नहीं है बिल्कुल, मैं मना कर रहा हूं, बस ये है कि जो मेरे से मैंने पढ़े नहीं है उनके लिए। यहां पर देखो, गाय और ग्वालों के एक समूह में सिरों की संख्या, सिर तो दोनों को बराबर होगी, सिरों की संख्या पैरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, ऐसा कुछ बोला है क्या, बोलो। ऐसे मैं लिख दूं तो कोई गलत है, आप पहले समझ के बताना मैं क्या लिखा हूं, पढ़ के बताओ कि कितना सेटिस्फाइड है, बताओ भाई, बोलिए फटाफट क्या चाहिए। अरे
ठीक है, देखो बराबर संख्या में गाय और ग्वालों को एक समूह में, जो पैरों की संख्या है, पैर एक का दो पैर होता है, किसकी, गाय का, ग्वाला का दो पैर, और गाय का कितना, चार पैर, पैरों की संख्या देख लो, समझ लो, सिरों की संख्या, ये सिर हो गया सबके बराबर, एक ही एक सिर तो है, सिरों की संख्या के चार गुने से कितना कम है, 28। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर चार गुना पांच गुना 28 कम हो, 14 ज्यादा, उससे कुछ भी हो, जो मेरे से पढ़ा है उनको पता है, तो सॉल्व करने का, इसका आधा कर दो जो दिया है, जैसे दिया यहां पर मान लो 14, तो क्या कर दोगे, 14 का आधा कितना होगा, जैसे यहां पर दिया 28, तो क्या कर दोगे, 14, डायरेक्टली कहीं फेल नहीं होगा, कहीं फेल नहीं होगा, आके मिल लेना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कहीं भी फेल नहीं होगा। ये हो गया आपको ट्रिक, बताओ जैसे इसमें कितना भी गुना हो, कितना भी गुना, चार गुना पांच गुना, कितना कम ज्यादा है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, बात समझाएगी नहीं आगे, तो ये, और ये है आपको सॉल्व करने का तरीका, जिसको ये सॉल्व तो चाहिए नहीं, जितनी आसान ट्रिक हो, देखो पैरों की संख्या एक का दो पैर, एक का चार पैर, पैरों की संख्या, सिरों की संख्या के चार गुने से कितना कम, 28 कम, इसको भी सोल्यूशन करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है जी। और हम लोग का ट्रिक क्या है, जैसे यहां पर कितना दिया 28, तो 28 का आधा कर दो, कितना हुआ, बात खत्म, ठीक है जी, और बाकी ये सॉल्व कर लेंगे तो तब भी हो जाएगा, कितना हो गया, 6x हो गया, ये करना लेकिन नहीं है, और ये कितना हो गया, ये एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, और गुणे कितना हो जाएगा, 4, समझ में आ रहा है ना, और माइनस कितना है, और 6x 8x है, तो ये देखो ये 4 गुना 8x हो जाएगा, अरे ऐसे होगा 6x बराबर 8x माइनस कितना हो गया, 28। अब ये 8x में से 6x इधर घटा दो और इधर ले लो 28, क्योंकि बहुत लोग जिनको नहीं, 2x बराबर कितना हो गया, 28, 2 से कितना बराबर में, 14, तो ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करना ही है, बस आधा, क्या करना है, आधा, बस हो गया है? या कि ठीक है, लेकिन बस वही है, नू याद हो जाए ना, तरीका तो सही रहता है। देखो ये चीज से आया एकदम पूरा साइलेंट, सुबह सुबह क्लास लेके पीछे देख लो बजरंग दल बैठे, उनको पहचान नहीं रही हो, हाय बोल लो एक बार, सुबह सुबह ये भी देख लेते हैं सब चीजें, तो खुश रहते हैं एकदम, सुबह तुम्हारा गेस सही निकला, कौन किसके साथ था, सही था वो बात, हो गया भाई। एक क्वेश्चन और दूं, कम से कम दो पीस होना चाहिए, है ना, तो एक हो गए, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, तुम लिखोगे कहां, तुरंत आंसर बता दोगे, ये भी दिक्कत है, लिखो, हाँ ओरली ओरली, ये सब बस याद रहा भी तुरंत, फिर पता चले भूल गए। एक समूह में मुर्गी तथा गाय है, एक समूह में मुर्गी तथा गाय है, यदि समूह में पैरों की संख्या, समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दो गुने से 14 ज्यादा है, समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दो गुने से 14 ज्यादा है, से 14 ज्यादा है, तो समूह में कुल कितनी गाय है,
हाँ भाई आंसर आगे बताओ, कितना आंसर आगे बताओ जल्दी, हो गया सात। तो ये हो गया सिर पैर टांग, ये क्लियर हो गया। हो गया भाई क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो ये दो पॉइंट हो गया, अब एक तीसरा पॉइंट चलता है। इसके एक क्वेश्चन है सिंगल, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट वैसे ट्रिक नहीं चलता, सीधे सॉल्व करना होगा। समझ में तो आ गया यहां तक, क्या करना आधा करना है, आगे समझ में सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। किसी घर में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं, किसी घर में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं, खरगोश एवं कबूतर रखे गए जिनकी पैरों की संख्या, जिनकी पैरों की संख्या ये तो सेम हो जाएगा, पीछे मैंने पढ़ा दिया था ना, ये सिर पैर वाला इसको काट दो। हाँ जी, खरगोश और कबूतर के दो दो टांग होते हैं। आनंदा बैठ जाओ, स्टूल चेयर नहीं है, रूपल निकाल कर दे दो। अरे वहां कहां घुसाओगे इनको, दे दो जल्दी निकालो, उठो। मिल गया मिल गया मिल मिल गया मिल गया मिल गया। सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चन है मैंने पीछे ये टाइप करा दिया है भाई, सिर और पैर वाला, ठीक है। yes, इसको काट दो, नया टाइप लिखना है। अरे नहीं लिखना है, जब कह रहा हूं काट दो पूरा तो बोल दो, या के बुलंद शहरी लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कारवा में, कारवा जहां ये रहते हैं आपके जैसे, ठीक है ना, कारवा लिखो। हाँ, एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा, ये क्वेश्चन अलग है, 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊंट है। हाँ, और कुछ उनके रखवाले हैं और कुछ उनके रखवाले हैं, यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं, यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक है, पैर अधिक है, तो बताएं कि रखवालों की संख्या कितनी है, बताएं कि रखवालों की संख्या कितनी। ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसी कोई दूसरे पीस अभी बना नहीं है। कुल रखवालों की संख्या बता, हो गया, देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे सिर और पैर अलग अलग गिन लो, चाहे एक जगह गिन लो। सिर तो देखो, सिर कितना कितना, ठीक है ना, जैसे कोई रखवाला है हम लोग जैसा, तो उसका सिर होगा एक, ए यही तो होगा भाई, बोलो क्योंकि पता नहीं है, यही तो करेंगे। दूसरा क्या होगा, क्या क्या है, तो मुर्गी सबका सिर तो एक ही होता है, तो 50 प्लस कितना, 45 प्लस कितना, 8 प्लस, बस यही है। तो ये हो गया टोटल सिर, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं है हमें। देखो 50 45 8, जितनी संख्या होती है उतनी सिर होती है। तो ए प्लस कितना हो गया, 103, गुणा कर लेना, जोड़ देना, 50 45 95 8 103। अब आइएगा पैर, पैर देखिए कितना,
अब बताएंगे पैर जैसे रखवाले होंगे उनका दो पैर होंगे उनकी संख्या कितनी हमें पता नहीं है, तो टू है ये तो करेंगे प्लस। अब 50 मुर्गी तो पैर कितना बताओ प्लस 45 क्या है बताओ कितना पैर है 180 प्लस तो बताओ 32 डायरेक्ट लिख दूं 32 हो गया। यहां तक समझ लो ये अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा इसको जोड़िएगा कितना होता 312 पक्का तो ये 2a प्लस 312 ये करना पड़ेगा इसमें कोई उपाय नहीं है देख लो इतना ना है कि इसमें क्या लगाओगे ट्रिक हो गया भाई तो ये ध्यान रखना बस ये बताओ समझ में आया कि नहीं है बोलो ये 2a किसके लिए लिखे हैं रखवाले और ये भी रखवाले के लिए अब इसको किधर भी साइड रख लो बराबरी में a प्लस 103 बराबर 2a प्लस 312 ठीक है जी ये रखना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात बोला है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है ठीक है जी तो कभी भी ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां पर कहा जाता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना है तो पुत्र को अगर मानते हो ए तो पिता क्या मानते हो 5 एक चीज सीख लेना मैं बोलूं कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी तो यहां पर क्या होता है कि 5 साल बाद यहां पर कहेंगे तो यहां भी 5 जोड़ते हैं और यहां भी 5 जोड़ते हैं। अब 3 से गुना बताओ किसमें करते हैं पुत्र में किसमें करते हैं पुत्र में क्योंकि जो छोटा होता है उसी को बराबरी करना होता है मेरी बात को समझिएगा पिता में करोगे तो पिता का भी फिर क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा फिर से समझना। अगर मैं कहूं कि ये संख्या 10 है ये संख्या 100 है और यहां पर क्या चीज का साइन लगा है बराबर तो ये तो गलत है भाई दोनों बराबर नहीं है। अब मैं कहूं कि ये संख्या इसका 10वां भाग है या ये संख्या इसका 10 गुना है तो ये संख्या इसका ये 10 गुना है तो गुना किसमें करोगे इसमें किसमें इसमें छोटा वाला में एक चीज फिर और सीख लो तभी तो बराबर होगा 10 × 100 बराबर 100 हो गया। तो कभी भी जब भी साइन बराबर का लगे तो ऐसे थोड़े लिखोगे बराबर मतलब बराबर करो तो बताओ 224 किसमें जोड़ोगे छोटा वाला में कि बड़ा वाला में छोटे बस यही मुझे सिखाना था तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए 224 उस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग ना कह रहा पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो यहां पर क्या कहे जो छोटा वाला सिर की संख्या कम होगी तो जोड़ेंगे 224 किसमें सिर में। अब देखिए यहां पर देखेंगे ये 2a है और ये a है तो 2a में से a इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा a इसको जोड़कर देखिए कितना होता है 327 और 327 में से 312 घटाओ बताओ कितना 15 तो इसके आंसर कितना हो जाएगा यही निकालना एक ही क्वेश्चन इसका कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी इसका बना दे ठीक है जी फिर से समझेंगे ये 2a है अब 2a में से a इधर घट जाएगा 2a में से a इधर आएगा तो क्या बचेगा a और ये कितना होगा 327 टोटल कितना होगा जोड़ोगे तो और 327 में से 312 घटेगा तो कितना हो गया 15 समझा गया नोट कर लो ये एक ही क्वेश्चन है तो ये भी कराना जरूरत था हर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कराना होता है। क्वेश्चन बोलो एक शतरंज के खेल में चेस एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है
बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए, बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है ना, हमने सबसे पहले, हाँ 20 इसके आंसर है, कितना बताया तू? 30 कैसे बता, आइडिया लगाओ। 6 × 5 = 30, ठीक है ना, नहीं ठीक बताया 30, तो ये कैसे लगाया आइडिया तो बता ना है। हमने एक बात बताया था कि एक बार, एक वर्ड है एक बार, एक बार का मतलब होता है कि ये टीम है इंडिया और ये हो गया ले लो पाकिस्तान, और इन दोनों से मैच होगा, तो टीम कितनी है? 2। अब मैच कितना बार होगा? 1। ठीक है जी, ये है राहुल, ये है सोहन, हाथ मिलाना है, व्यक्ति कितने हैं, हाथ कितने मिलेगा? 1। अभी बताया था कुछ समय पहले, उसी को मैं चेंज करके बोल दिया। हमने बताया था कि जहां एक बार वाली बात होती है वो हाथ मिलने की बात होती है, गिफ्ट वाला तो फिर चेंज हो जाएगा। तो जब अगर 6 टीम हैं तो मैच तो 5 से खेलेंगे ना, अरे छठा तो 5 से खेले, 5वां चौथा से खेलेगा, तो जहां पर एक बार की बात, मैंने पहचान के लिए बता, एक बार या हाथ मिलने की बात, तो ये एक ही बार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, हम लोग फॉर्मूला बताए थे n(n-1)/2, यहां बस खाली हाथ मिलाने को होगा तो रटे पड़े हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो तो खटे पड़े हैं, ठीक है ना, n(n-1)/2 लगेगा, यानी इसका मतलब होता है 6 और 6 में से 11 और 2/2, बताओ इसके आंसर क्या होगा? 15। और जब गिफ्ट की बात होगी तब वो होगा 30, इस बात को ध्यान, अभी बताया था कुछ समय पहले, ठीक है ना। और 6 संख्या पर भी बताया था मैंने, हो गया, समझ में आ गया? Yes, क्लियर हो गया भाई, बताओ जल्दी। चलिए, तो जब क्लियर हो गया तो मैंने पहले ही 2 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले उसको क्लियर करके बताओ, आंसर बताना, ठीक है। ये हो गया, इसके आंसर है 15। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को, हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि बांटे गए कुल गिफ्टों की संख्या, यदि बांटे गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है, 210 है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, मैंने बता रखा था इसका सारा कंसेप्ट, बता दिया शुरू में, बताया था क्वेश्चन 20, बिल्कुल सही है, कैसे बताओ? हाँ, कैसे तोड़ेंगे? 210 को तोड़ देंगे, क्या चीज से तोड़ोगे बताओ, फैक्टर, कैसे तोड़ा जाए बताइए, 10 से 10 और 20, तो 10 × 20 में तुम्हारे मौसा आते हैं, ये जानते हो क्या सोच लिया है, ये 10 × 20 है ना, तो 2 × 1 यहां लगा कर 0 लगा रहा है, नया कोई ट्रिक लगा लिया, खतरनाक, अरे भगवान, देखो ये कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे से लोग, कहां से आते हैं, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 105, फिर 3 से भाग देंगे 35, ठीक है जी, फिर 5 से भाग देंगे 7 बार, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर, अब कितना होगा बताओ, बोलो भाई जल्दी जल्दी, यानी 3 × 5 = 15 बना दिए जाए, देख लो आराम से, और 7 × 2 कितना बना दिए, 14, यही तो बनेगा भाई, 14 × 15, और हमेशा बताते बड़ी वाली संख्या, जहां गिफ्ट की बात हो लगातार के फैक्टर कर देना है, उसमें बड़ी वाली संख्या आंसर, और जहां हाथ मिलाने की बात हो पहले 2 से गुना करके फैक्टर करना, यही तो बात मैंने बताया,
अभी दिया आगे पीछे भूल गए है ना। तो इसके आंसर क्या होगा 15। तो इसके आंसर क्या होगा अंकित 15। तो इंस्टाग्राम पर रील मत बना, छोड़ दे इस टाइम। ये भी एक तरह के गुलामी का दर्जा है, ध्यान रखना। है भारत का कहाँ कुछ पेपर में कटिंग इस पर लिखला है एक जगह, उसमें लिखा है उसमें कौन सा में अमर उजाला में, उसमें उसको ध्यान से पढ़ना, परसों तरसों का था, उसमें दिखाया था कि जैसे पहले जमींदारी प्रथा से जमीनों से अंग्रेज मतलब गुलाम करते थे वेस्ट, इंस्टाग्राम पर बताया 60 लाख प्रति वर्ष रील बनते थे और ये लोग सोचा कि पैसा कमाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग प्रॉपर को कंपनी जैसे डायरेक्ट कॉल करके देती है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन ने प्रचार कर दिया तो अब अमिताभ से तुलना तुम अपना कर रहे हो, बेकार है ना, इसमें कहीं कुछ फायदा नहीं है। मैंने ये भी एक तरह का क्या वेस्टेज है मतलब टाइम का, तो ये कहीं ना कहीं नहीं बनाना है। आंख पर वो चेंज करके कैसे कलर, ठीक है जी। तो इसके आंसर कितना हो गया भाई 15, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट एक लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल, स्ट्रीट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप, ये आया हुआ क्वेश्चन मैं बता दूंगा कब आया, पहले लिख लो। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल, पोल मतलब खंबा होता है भाई, सीधी पंक्ति में, सीधी पंक्ति में पचास मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं, 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। ठीक है जी, हो गया। लिखेंगे इसमें प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी, प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी, यह है 14 दिसंबर 2014 यूपी पुलिस कांस्टेबल मेंस। ठीक है जी, बताओ आंसर क्या। गलत है भाई, इसके आंसर होगा 450। इसका आंसर है 450। आंसर कैसे 400 बताओ, तो बीच का मतलब क्या होता है, माने बीच जैसे अगर बीच करना है तो बीच कैसे होता है। ये जो 9 पोल है तो एक कम क्यों करी थी बीच के चलते, गलत बात है, दूरी के लिए, दूरी और बीच में अंतर होता है। बीच का मतलब होता है कि दोनों संख्या के बीच में, जैसे 3 संख्या है तो इसके बीच, तो 5 संख्या के बीच 4 थोड़े होगा, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। 5 संख्या के बीच हमेशा 3 होता है। यहां पर बस कहेंगे कि जब दूरी तब बनता है, अकेले रहने पर दूरी नहीं बनता, कम से कम कितने लोग होना चाहिए, 2, तो 2 में दूरी कितना बनेगा 1, ये ध्यान रखना। तो दूरी की बात है तो 9 है पोल, तो दूरी कितने के बीच बनेगी 8, तो 8 में कितना से गुणा करेंगे 50 से, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 400, ठीक है ना, ये गलत है, 400 ही सही है। ये किस लिए, दूरी निकालने के लिए, एक कम कर देते हैं भाई, अकेले रहने पर कोई दूरी नहीं बनती, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न करने के, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं।
प्रश्न करने के चार नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर एक नंबर काट लिया जाता है, एक नंबर काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया और उसे 125 नंबर मिला हाँ 125 नंबर मिला तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही किया। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। कुल प्रश्न देख लो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं बोलो, 75 है टोटल। ठीक है जी, देख लो, सीख लो इसको डायरेक्ट, x से भी बन सकता है। और प्रत्येक सही प्रश्न करने के कितने नंबर मिलते हैं, तो 75 में 4 से गुणा करो, 300 मिलना चाहिए। ठीक है ना लक्ष्मी, आज टाइम से पहले आ गई, 300। अब मिला कितना है, 125, तो घटा दो, कटा कितना देख लो भाई, यही तो है भाई, 75 प्रश्न है, प्रत्येक का 4 नंबर होगा तो 300 नंबर मिलना चाहिए, मिला 125। ठीक है जी, ये टोटल नंबर है, ये मिला है, और कटा कितना, 175। अब एक क्वेश्चन गलत करने पर कितना नंबर कटेगा, एक नहीं कटेगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर कटेगा, बताओ कैसे। एक क्वेश्चन गलत करते तो जो सही वाला नंबर है वो भी तो कटता है, और जो निगेटिव मार्किंग है बताओ बोलिए। मान के चलो किसी पेपर में एक क्वेश्चन करने के एक नंबर मिलता है, और गलत करने पर 0.25 कटता है, मतलब 0.25 समझ रहे हो, 1/4। तो बताओ कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो ये लोग सोचते हैं कि क्या कि खाली ये कटेगा, पागल, यहां पर कटेगा 1.25। मेरी बात को समझना, एक तो मिलने वाला भी तो गया और ये आपके पॉकेट से गया, और जब छोड़ देते हो तो ये खाली जाता है, जो मिलने वाला होता वही जाता है, निगेटिव मार्किंग थोड़े जाएगा। तो ये बात को आप समझो, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर मिलने वाला और प्लस निगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपके पॉकेट से तो यही कटेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और छोड़ दोगे तो खाली मिलने वाला कटेगा, इसीलिए लोग कहते हैं छोड़ दो, जो भी छोड़ने के लिए तो पूरा छोड़ दो, क्लियर। अब देखो तो 175 में 5 से भाग दो कितना होगा, 35। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 75। 75 में से 35 कैसा है बताओ, बोलो 35 कैसा है, तो 40। 35 है गलत, ठीक है ना, और 75 में से 35 गया 40। 40 प्रश्न क्या है सही, मेरी बात समझाएगी नहीं, बोलो। देखो एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, और इस पर एक और क्वेश्चन समझो मैं अपने तरीके से, एक क्वेश्चन है सुनो, पर टोटल क्वेश्चन की संख्या है 90, कितना है, अब प्रत्येक सही का करने के लिए 5 नंबर, तो 9 × 5 कितना हो गया, 45, 450 हो गया, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, उसको मिलता है 387 नंबर, कितना कितना कटा बताओ, ठीक है ना, 63 नंबर कटा, इसमें से घटाओगे 63 होगा, और एक प्रश्न गलत करने के 2 नंबर कटते, कितना 2 नंबर, तो भाग कितना से दोगे, कहां से 7 आया,
पांच मिलने वाला और दो निगेटिव मार्किंग, सात कटा तो 7 से 63 कितना बार में? 9 बार में। अब टोटल प्रश्न 90 में से 9 गलत, तो सही कितना? ये क्या है? गलत है और ये क्या है? सही है। और दिखाऊं एक ही हो गया काम। चलो पहले उतार लो, आऊं। ये 75-4 नहीं लिखा है, वो लिखा है 75 क्वेश्चन रजिस्टर में लिखे हो कितना, तो वही तो मैं कह रहा हूं रजिस्टर में लिखे हो आकाश ये लिखा है भाई। हाँ तो इसीलिए उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना शुरू वाला लाइन को हल्का। हाँ ठीक है, ये 4 नंबर हो गया सही प्रश्न करने के। ओके जी आगे पढ़ना थोड़ा सा और। ठीक है तो ये गलत करने पर कितना कटेगा? सही के लिए मिलेगा 4+4, अब गलत करने पर क्या होगा भाई? -1। ठीक है जी, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना कटेगा? मिलने वाला गया प्लस पॉकेट से भी जाएगा, कितना हो गया? 5। ओके और बताओ। अब बस रुक जाओ वही रुको। ये टोटल प्रश्न कितना हो गया? 75। अगर 75 के 75 सही किया जाता तो मिलता कितना? मिला कितना? कटा कितना? एक कटने पर 5 नंबर, एक कटने पर 5, तो 5 से भाग दे देंगे 175 में कितना बार? 35। यानी 35 गलत हुआ है। 35 क्या हुआ है? गलत हुआ है। तो 75 में से 35 गया तो सही कितना होगा? 40। और क्वेश्चन इसमें समझाऊं कि हो गया काम? ठीक है ना, इसी को 35 घटा देना, बाकी 1 से भी बना सकते हो। उतार लिए? हो गया। एक क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख लो और इसका आंसर आप लोग बताना, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, छोटा करके लिखिएगा। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 नंबर, प्रत्येक सही उत्तर करने पर 3 नंबर, शॉर्टकट में लिख लो, आप लोग आंसर बताना। गलत करने पर 2 नंबर कटता है, गलत करने पर 2 नंबर कटता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 30, जो टोटल क्वेश्चन है वो 30 है, मिले हैं 40 नंबर, टोटल नंबर जो मिला है वो 40 मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि सही प्रश्न कितने थे? 20। हाँ 30 क्वेश्चन है और 40 नंबर मिले हैं, और सही करने के कितना नंबर बताए थे? बोलो 3, और गलत करने पर 2। बस यही क्वेश्चन है, कर लिया हो गया अभी तक। आ गया होगा सभी लोगों का, बताइए। कोई भी जॉब वाले हो, अगर कोई जानने वाले मिले, 6 बजे वाला बैच बंद हो गया तो स्टार्ट हो गया है एडमिशन, तो अगर कोई मिले तो 6 बजे अगर कहे कोचिंग के लिए तो बता देना। जो भी हो कोई जानने वाला कि 6 बजे शाम को, बहुत बच्चे आते थे बीच में बंद कर दिया था मैंने, तो बता देना 6 बजे से भी बैच शाम को 6 बजे, सुबह नहीं, स्टार्ट हो गया। तो कोई भी मिले ना तो बता देना, स्टार्ट कर दिया हूँ, नया एडमिशन हो गया। आइए तो इसका आंसर कितना है भाई? बोलो 20 है। चलिए, कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आया भाई बताएंगे, जिनको भी समझ में ना आए कृपया करके बताएं, बताता हूं एक मिनट।
किसको बताऊं बताओ तुम्हें? ठीक है, देखो इधर सबसे पहले टोटल प्रश्न आप बताओ कितना मैंने लिखवाया, 30। एक प्रश्न सही करने के कितना नंबर मिलेंगे? 3। तो देख लो 30 तिहाई कितना हो गया? 90। ये मिलना चाहिए भाई, राइट? मिला शायद है 40 नंबर, यही तो मिला है भाई। तो 40, तो 90 में से 40 घटा दो, मैंने 90 जब मिल जाता ना तो फिर क्वेश्चन ही बनता। मैथ्स का क्वेश्चन का मतलब तो प्रॉब्लम। जैसे कोई कह दे राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, बस कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन उसमें वो प्रत्येक 2 दिन बाद काम, तब जाकर क्वेश्चन, मैंने प्रॉब्लम होनी। जैसे आप 100 नंबर का पेपर दिया, 100 में 100 मिल गया, बात खत्म, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बने। क्वेश्चन का मतलब समस्या, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। तुम कोचिंग पढ़ने, हाँ पढ़ रहे हैं जी, हाँ नौकरी हो गई, हो गई तो बात खत्म, ठीक है ना। तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे 30 प्रश्न है, ठीक है ना, अब प्रत्येक सही करने के 3 नंबर मिला, 90 मिल गए, 90 में 90 हो गया, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन का मतलब होता है समस्या, प्रश्न का मतलब भी होते, कहीं भी प्रश्न उठा इसका मतलब समस्या। तो कभी भी नहीं सोचना यार 90 क्यों नहीं मिला, ठीक है, ऐसा मत सोचना। यानी प्रत्येक सही 30 प्रश्न है, प्रत्येक सही करने के लिए 3 नंबर मिलते हैं, टोटल मिलना चाहिए 90। मिला कितना है? 40। कटा कितना है? 50। और एक गलत करने पर, शायद बोला है क्वेश्चन में, सही करने पर 3 नंबर और गलत करने पर 2 नंबर, तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो 5 दो कितना हो गया? 50। यानी टोटल 30 है, तो 30 में से टोटल 30 में से 10 क्या है? गलत है। तो सही कितना है? 20। ठीक है ना, बहुत लोग ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ में आता है कि दोनों, यानी कोई पहले सोचता था कि 2 नंबर मिलता है सही के, आधा नंबर गलत में, तो गलत करेंगे तो आधा नंबर ही कटेंगे। बहुत लोग इसमें बैठे भी आज की भी क्लास में, लेकिन ये समझेगी कि एक गलत करने पर कितना कटेगा? 2.5 नंबर। ये जिस दिन ये सोच लोगे फिर तो गलती, लेकिन हम क्या सोचते हैं? आधा नंबर कटा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप 50 क्वेश्चन है और आपने 20 सही किया और 30 गलत, जीएस में गलती हो जाती है, 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आपने कितना किया? 20 सही और कितना, ठीक है ना, इस बात को देखना। ये है सही और ये है गलत, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है और गलत करने पर कितना कटता है? 0.25 मान लो। तो आपको मिला कितना? 20 मिला कितना? 20। अब 20 नंबर तो आपको मिल गया, लेकिन 30 गलत है, तो ये कहां गया? ठीक है भाई, अब 30 का निगेटिव मार्किंग आपको देखना पड़ता है कि 30 का निगेटिव मार्किंग कितना है। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितना है भाई? 50। मिलना कितना चाहिए? 50 नंबर। हम सोचते हैं यहां 20 नंबर मिल गया, काम होता है। निगेटिव मार्किंग यहां पर आके देखो कि निगेटिव मार्किंग कितना, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो जितना ये गलत है वो तो कटेगा ही, और उसके बाद क्या करेगा? माइनस में कटेगा। इस बार तो हम लोग निगेटिव मार्किंग 30 का 7.5 करके इसमें से क्या कर देते? घटा देते। इस तरीके से ये नहीं आप सोचेंगे कि हमने छोड़ दिया था, बस 2 नंबर कट गया। 50 क्वेश्चन आपके पास टोटल है, अब प्रत्येक को कितना मिला? 2 नंबर। तो मिलना कितना चाहिए? 100, ये तो मिलना चाहिए। अब आपको मिला कितना? तो मान के चलो आपको मिल गया 60 नंबर। कितना मिला? 60। तो कटा कितना? 40, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे, अगर 2 नंबर सही के लिए और 2 नंबर गलत के लिए, 2 नंबर सही और 2 नंबर गलत, तो भाग किससे देंगे? 4। सब देख लो क्या होता है, ये एवरेज निकलती है। तभी हम कहते हैं कि भाई हम 86 करके आए थे, 31.25 कैसे आ गया, ठीक है ना, 81.25। हमारे साथ दिक्कत होती है कि जैसे हम 50 क्वेश्चन करके आए, उसमें से अगर 40 करके आए तब तो मिलाएंगे कि 10 गलत कहां कहां हुआ, लेकिन हम 10 से सही करके आएंगे तब 40 थोड़े कहते यार सारा तो गड़बड़े हैं, ठीक है ना। तो यही चीज सबसे पहले समझना कि निगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या होता है। अब निगेटिव मार्किंग होता है तो हम पढ़ते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो कहते हैं तो ठीक तुम्हारी दो, तो फिर वो अलग हम दूसरे मने रोल सोचते हैं। चलिए तो इसके आंसर कितना हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको बनाना है, चेंज कर दिया पूरा पोजिशन को, लिखिए। राधा और सीता बाजार जाती है, राधा और सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है, ठीक है लिखेंगे। राधा 105 रुपया में, राधा 105 रुपीज में 3 रबर और 5 कलम खरीदती है, 3 रबर और 5 कलम खरीदती है, जबकि सीता 130 रुपया में
130 रुपया में चार रबर और छह कलम खरीदती है। और छह कलम खरीदती है, एक रबर का मूल्य बताएं, एक रबर का मूल्य बताएं। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? लगाओ अपनी बुद्धि, ये दुकानदार बन गए हैं। क्वेश्चन है, क्या हो गया? शांत बताओ, सब लोग आ गया? Yes, कैसे बताओ, कैसे लिखूं इक्वेशन को? तीन कैसे लिखा है? थ्री आर, समझ लोगे भाई, जिनको नहीं है वो कृपया करके समझे। फाइव पी बराबर 105, आगे चार आर छ पी, ये है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले दसवीं वाला क्लास के जो पढ़ाई पढ़े उसमें ऐसे करते हैं, जबरदस्ती आंसर लाते हैं, ऐसे करेंगे इक्वेशन एक दो, और इसको इसमें और इसको इसमें उल्टा, माने इसमें चार से गुणा करेंगे और इसमें कितने से? तीन से। आंसर तो आएगा लेकिन ये अपना टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से सल्व नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिंक होनी चाहिए। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा तरीका, तरीका इसका दूसरा क्या होगा बोलो, तुम लोग कैसे बनाए हो? घटा दियो, ऐसे ही बनाए हो? अच्छा यही, अच्छा इक्वेशन, व्हाट इंग्लिश डे, ठीक है। देखो भाई ऐसे मत बनाना, कुछ ना कुछ जुगाड़ होनी, अगर इसका कोई जुगाड़ नहीं है तो सोचो कि पेपर में नहीं आएगा, एक तो ये बात है, या हो सकता हमारे पास ना हो, क्योंकि इतना टाइम इक्वेशन ये चार तीन बारह चार आंसर तो आ जाएगा, वो तो अपनी स्पीड अपनी है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाए, दिमाग पर असर पड़ता है। वैसे देखो करना क्या, इन दोनों का अंतर देखो, एक आर तो केवल लिख देता हूं, एक आर लिखने की जरूरत नहीं होता है, और टू आर और सी आर, यहां पर आर और यहां पर पी इक्वल टू 25, बस हो गया। यानी रबर प्लस पेन इक्वल टू 25 रुपया, ये पता नहीं कि 20 5 होगा कि 15 10 होगा कि दूसरा बराबर बराबर सारे बारह तो होगा नहीं। अब यहां से उठाना है चार ऑप्शन, ठीक है ना, यहां से भी आ जाएगा लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहां क्या करें चार ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन रहता है हमारे पेपर में 25, 20, 10, 19, 25, 20, 10 और 19। अब यहां 10 पर नहीं जाना है, सबसे पहले 25 नहीं होगा, ये बात को ध्यान, क्योंकि दोनों का मिलाकर 25 रुपया है, ठीक है। 19 तो हम लोग 20 और 10 में शक हो गया, एक बात कह रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूछा किसका मूल्य है बताओ, रबर आर इक्वल टू, अब आर का मान अगर 20 रखना चाहते हो, ठीक है जी, 20 रखना चाहते हो, आर का मान यहां रख दो,
आर के जगह 20 रखोगे तो ये बताओ कितना होगा, बताओ आर के जगह 20 रखोगे तो 60 हो गया, और फिर तो यहां पर 5 ही तो मिलेगा पी का। अरे भाई जब दोनों का मूल्य 25 रुपया है तो आर को आपने 20 मान लिया तो पी को तो 5 मानोगे, मानोगे नहीं मानोगे, तो 105 आनी चाहिए। तो 20 दिया 60 और 5 5 25 60 25 105 थोड़े होता है, तो ये बात क्या हो गया। अब आ जाओ 10, जब आंसर है तो इसको टिक मार देते हैं। तो आर का मान कितना रखना है हम लोग को, तो दूसरा 15 होगा पी का मान, तो आर का मान 10 रखोगे 10 दिए कितना हो गया, और 15 25 कितना होगा 75, 75 और 30 कितना हो गया 105, तो इसके आंसर कितना आर बराबर कितना होगा 10। ये बात को ध्यान, ऐसे होनी चाहिए ध्यान रखना, ठीक है ना। हम इक्वेशन बनाएंगे बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। यहां पर एक इक्वेशन, दोनों का वैल्यू कितना है 25, तो बराबर बराबर तो होगा नहीं रूल, 12.5 तो पॉइंट में भी ऑप्शन में भी नहीं, तो यही आपको उठाकर और इसको बनाना चाहिए, ठीक है ना। आर प्लस पी यहां पर 25 है, तो आर का मान हमने 10 लिया तो पी का मान कितना होगा 15। अब ये रखेंगे नीचे वाला इक्वेशन में भी रखोगे तब भी प्रूव्ड हो जाएगा, किसी में भी रखो आ जाएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। इसका अर्थ होता है आप जितना जल्दी स्पीड में लॉजिक लगाओ, है ना। कितना क्वेश्चन हो गया प्रेरणा, 12 तुम्हारा प्रेरणा नाम है, तुम लड़की हो नहीं, फिर क्यों बोले बीच में, ठीक है हो गया भाई बताओ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जीएस।